मैं अनिल कुमार पांडे, जीव विज्ञान शिक्षक, BBS इंटर कॉलेज प्रयागराज से। क्लास 10th के बच्चों को साइंस में जितना बायोलॉजी पोर्शन था एक बार पूरा पढ़ाया जा चुका, अब आज से साइंस का बायोलॉजी पोर्शन चैप्टर 6 जैव प्रक्रम रिवीजन चल रहा है। सबसे पहले हम आते हैं पढ़ते हैं कि सजीवों के लक्षण क्या है, जिनके आधार पर हम किसी को सजीव कहते हैं या किसी को निर्जीव कहते हैं। तो सबसे पहली होती है कि सजीवों में कोशिकीय संरचना होती है। सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। अगर एक कोशिकीय जीव है जैसे प्रोटोजोआ है, अमीबा, पैरामीशियम, यूलीना, प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा, ये सब एक कोशिकीय हैं, तो प्रोटोजोअन एक कोशिकीय होते हैं, एक ही कोशिका के बने होते हैं, और बहुकोशिकीय। तो सभी जीव या तो एक कोशिका के बने होंगे या बहुकोशिकीय, बहुत ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। तो सजीवों में कोशिकीय रचना पाई जाती है। दूसरा है सजीव वृद्धि करते हैं। वृद्धि जिसमें आकार व शुष्क भार बढ़ता है, वृद्धि वह अपरिवर्तनीय परिवर्तन है जिसमें जीवों का आकार और शुष्क भार बढ़ता है, वृद्धि कहलाता है। सजीवों में वृद्धि आंतरिक कारणों से होता है और निर्जीवों में वृद्धि बाह्य कारणों से होता है। तीसरा होता है सजीव पोषण करते हैं। जीवधारियों द्वारा भोजन प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। जितने भी सजीव होते हैं उनको पोषण करना, उनमें पोषण पाया जाता है, या तो वे स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, या परपोषी होते हैं, अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। चौथा है श्वसन, भोजन के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। सजीवों में श्वसन क्रिया होती है, निर्जीवों में श्वसन क्रिया नहीं होती है। सजीवों में उत्सर्जन क्रिया होती है, निर्जीवों में उत्सर्जन क्रिया नहीं होती है। उत्सर्जन का मतलब हुआ कोशिकाओं में बने हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर मुक्त करने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो सभी जीवों का ये लक्षण होगा कि उनमें उत्सर्जन पाया जाता है। नेक्स्ट है जनन, प्रत्येक जीवों में अपनी वंश परंपरा को बनाए रखने के लिए अपने समान संतान पैदा करने की क्षमता होती है, इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। सजीवों में जनन पाया जाता है, निर्जीवों में जनन नहीं पाया जाता है। सजीवों में उपापचय होता है। उपापचय जीवों के शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को उपापचय या जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ये दो प्रकार
निर्माण कारी प्रक्रिया जिसमें सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है, और दूसरा अपचय या विखंडन कारी प्रक्रिया जिसमें जटिल अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। तो सजीवों में उपापचय क्रियाएं होती हैं। संवेदनशीलता वातावरण में होने वाले परिवर्तन को उद्दीपन या संवेदन कहते हैं, संवेदना कहते हैं। पौधे और जंतु दोनों में संवेदनशीलता पाई जाती है। अगला है गति एवं प्रचलन। एक स्थान पे हम खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं, गति हुआ। पौधे जड़ों द्वारा भूमि पर स्थिर रहते हैं, इसलिए पौधों में गतियां होती हैं। कुछ एक कोशिकीय पौधे होते हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास, अपनी कशाविका द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रचलन करते हैं। तो सजीवों में गति एवं प्रचलन पाया जाता है। जंतु अपने भोजन, साथी और आश्रय की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान को जो जाता है उसी को गति एवं प्रचलन कहते हैं। नेक्स्ट है सजीवों में जीवन चक्र होता है, लाइफ साइकिल। बच्चा पैदा होता है, धीरे 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 वृद्धि करते हुए बड़ा होता है। इसी तरह एक छोटा पौधा रहता है, धीरे 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 वृद्धि करते हुए बड़ा होता है और अंत में लास्ट में जाके मर जाता है। तो जन्म से मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है लाइफ साइकिल, यानी पैदा हुआ, वृद्धि करेगा, बड़ा होगा और लास्ट में वो मर जाएगा। तो ये रहा सजीवों के लक्षण। अब आते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। जो शरीर का अनुरक्षण है, मेंटेनेंस है। अनुरक्षण का मतलब मेंटेनेंस, शरीर के अनुरक्षण या मेंटेनेंस के लिए शरीर के अंदर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं लगातार होती रहती हैं। जब हम सो रहे होते हैं, कोई कार्य भी नहीं कर रहे होते हैं, उस समय भी अनुरक्षण का कार्य होता रहता है। ठीक, तो वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों के शरीर का अनुरक्षण करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जो निम्नवत हमने अभी आपको बताया कि ये जो शरीर है इसका अनुरक्षण मेंटेनेंस होने के लिए, यानी शरीर में जो भी टूट फूट हो रही है टूट फूट को रोकने के लिए, और जो शरीर के मेंटेनेंस के लिए शरीर के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो एकल जीव या ऊर्जा बाहर से प्राप्त करता है,
बंधित कर लेते हैं। रासायनिक ऊर्जा में ये ऊर्जा स्रोत के रूप में भोजन का निर्माण कर देते हैं। तो पौधा तो ऊर्जा अपना प्राप्त कर रहा है, तो पौधे तो स्वपोषी हो गए, और जंतु अपने भोजन के लिए या पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा जो है कहाँ से प्राप्त करता है? रासायन, ये जो पौधे अपना भोजन संचित को भोजन बना करके संचित किए रहते हैं। अब इसी को जंतु जो है ऊर्जा स्रोत को भोजन के रूप में शरीर में ग्रहण कर रहा है, यानी पोषक तत्वों को शरीर में ग्रहण करने की संपूर्ण प्रक्रिया को पोषण या न्यूट्रिशन है। पृथ्वी पर अधिकतर जो पोषक पदार्थ हैं वो कार्बन अणुओं पर आधारित है, हमारा शरीर भर भी कार्बन अणुओं पर निर्धारित है। तो पहला प्रक्रम क्या हो गया? पोषण, ऊर्जा स्रोतों को भोजन के रूप में शरीर के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा शरीर के अनुरक्षण के लिए, शरीर के जो कोशिकाओं में टूट फूट हो रही है उनकी मरम्मत होना जरूरी है, और जो रासायनिक क्रियाएं अभिक्रियाएं हो रही हैं कोशिकाओं के अंदर, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को चलते रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब यही है कि हरे पौधे सूर्य की सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बंधित कर लेते हैं, इसलिए हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं, और जंतु अपने भोजन के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए जंतुओं को परपोषी कहा जाता है। अब जब जीव ऊर्जा स्रोतों को पोषक तत्वों को भोजन के रूप में जो ग्रहण करने की इनकी संपूर्ण प्रक्रिया है वो पोषण कहलाए, तो जैव प्रक्रम का पहला काफी हो गया पोषण। अब जब ऊर्जा स्रोत शरीर में पहुंच गए तो इन ऊर्जा स्रोतों को टूटना जरूरी है जिससे ऊर्जा मुक्त हो। तो कुछ जीव होते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थित में ही ऊर्जा स्रोतों के भोजन का विखंडन ऑक्सीकरण कर भोजन का विखंडन करते हैं बिना ऑक्सीजन के, तो उन्हें अनाक्सी श्वसन, और जो जीव वातावरण से ऑक्सीजन ले करके ग्लूकोज का विखंडन करते हैं उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। तो दूसरी प्रक्रिया होती है कि ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दूसरा प्रक्रम जरूरी होता है, रेस्पिरेशन। भोजन के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें पोषण और श्वसन एक ही कोशिका में होती है, तो इनमें विसरण द्वारा ऑक्सीजन की भी पूर्ति हो जाती है और पोषक तत्वों की भी पूर्ति हो जाती है, क्योंकि एक कोशिकीय जीवों की सभी एक कोशिकीय जीव की जो कोशिका होती है वो डायरेक्ट वातावरण के संपर्क में रहती है। बहुकोशिकीय जीव होते हैं इनके सभी कोशिकाएं वातावरण के डायरेक्ट संपर्क में नहीं है, तो इसलिए जो है इनमें विसरण द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति अपर्याप्त होती है। अब जब श्वसन में ऊर्जा मुक्त हो गई तो इस ऊर्जा को शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक, प्रत्येक भागों तक भेजा जाना जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक कोशिकाओं में रासायनिक अभिक्रिया चल रही है और उस रासायनिक अभिक्रिया को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती रहती है। तो तीसरा जो है उस ऊर्जा को सभी जगह तक पहुंचाने के लिए परिवहन, परिवहन या वाहन तंत्र का विकास हुआ, ट्रांसपोरेशन। पौधों में जल परिवहन तंत्र पाया जाता है, जंतुओं में प्रोटोजोआ और स्पंज में जल परिवहन तंत्र पाया
कोशिकाओं के संपूर्ण भागों तक पहुंचते हैं। स्तनधारी कार्डेटा सबके जंतुओं में लसीका परिसंचरण तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र दोनों पाए जाते हैं। जब शरीर के अनुरक्षण के लिए ऊर्जा स्रोत ग्रहण किया, ऊर्जा को यहाँ तोड़ दिया गया और यहाँ ऊर्जा को प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुँचा दिया गया। अब ये मेंटेनेंस, शरीर का मेंटेनेंस अनुरक्षण हो रहा है। अब जब ये रासायनिक अभिक्रियाएँ हो रही हैं प्रत्येक कोशिकाओं में, तो कुछ हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे और इन हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर मुक्त करने की क्रिया को कहते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन तो ये चार जैव प्रक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। पेज नंबर 105 पर आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। अभी हमने आपको डिस्कस करके बताया था, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनकी कोशिका वातावरण के सीधे संपर्क में रहती है, जिससे उनमें विसरण द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति पर्याप्त होती है। लेकिन हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों की सभी कोशिकाएं वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती हैं, इसलिए हम लोगों में विसरण द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति अपर्याप्त होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए देखिए हमने ये सजीवों के लक्षण लिखा है, ठीक है। फिर भी जैसे कोई व्यक्ति लेटा हुआ है और हम जानना चाहते हैं कि ये सजीव है कि नहीं, अपने कान को उसके नाक के पास ले जाएंगे और देखेंगे कि सांस चल रही है कि नहीं चल रही है, सांस लेना। इसके अतिरिक्त ये भी प्रक्रियाएँ हैं कि सजीवों के लक्षण हैं, सजीवों में ये पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। अब कच्ची सामग्री का उपयोग, एक तरफ आप पौधे रखिए, एक तरफ जंतु रखिए। तो अगर पौधा है तो पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल चाहिए और खनिज लवण चाहिए। अगर जंतु है तो इसे पोषक पदार्थ चाहिए, जल चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। अभी हमने आपको बताया था हम जीवन के अनुरक्षण के लिए हम चार प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। कितने प्रक्रमों को? चार प्रक्रमों को हम आवश्यक मानेंगे। पहला है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है परिवहन और चौथा है उत्सर्जन। नेक्स्ट जो वीडियो जाएगा सैटरडे को उस पे हम पोषण पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।